नमस्कार, भाभी रसोई कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे नया वीडियो अपलोड करते ही आप सभी को मिल जाए। साथ ही चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स पे हमें लिख करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपीज कैसी लगी। मसाला सोया चाप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मार्केट से फ्रेश सोया चाप लिया है। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए एक बाउल में पानी ले लेंगे, उसमें उबाल आने देंगे, उसके बाद कटे हुए प्याज को उसमें डालकर उबाल लेते हैं। यहाँ सोया चाप में हम 2 लौंग डाल देंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे 1 से 2 बाल आने तक पका लेंगे। अब हम इसे निकाल करके एक प्लेट में रख लेते हैं और इसे ठंडा कर लेंगे। प्याज को उबालते समय हम इसे हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेते हैं ताकि इसका कड़वापन हट जाए। अब हम एक जार में लहसुन, मिर्च हरी, टमाटर और अदरक इन सभी को डाल करके पीस लेंगे। अब हम एक कपड़े से अच्छे से इसका पानी सुखा लेते हैं और इसकी स्टिक को अब हम निकाल लेंगे। स्टिक निकालते समय हम बिल्कुल हल्के हाथों से स्टिक को बाहर की तरफ खींचते हैं। अब हम इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। 1 से 1.5 इंच की दूरी पे इसे अच्छे से कट कर लेंगे। इसी तरह से हम सभी टुकड़ों को कट कर लेंगे। अब हम प्याज को जार में डाल करके पीस लेते हैं। अब चाप में बटर डाल लेंगे और दही डाल लेंगे और काली मिर्च। इन सभी को डालने के बाद अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। इन सभी को आपस में अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे हम सैलो फ्राई करेंगे। एक पैन ले लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल डालने के बाद इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें चाप को डाल लेते हैं। चाप डालने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे। इसे स्लो फ्लेम पर अच्छे से सैलो फ्राई कर लेंगे। इसकी अब एक एक परतें अच्छे से खुल रही हैं और काफी अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल करके रख लेते हैं। अब हम पैन में तेल डाल लेंगे। तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप यूज करते हो। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम खड़े मसालों को डाल लेते हैं। खड़े मसाले डालने के बाद अब हम इसमें जो प्याज को पीस के रखे हैं उसे डाल लेंगे। प्याज डालने के बाद इसे अब अच्छे से चला लेंगे। अब हम टमाटर की ग्रेवी जो तैयार करके रखे उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर घर की पीसी हुई 2 चम्मच। अब हम इन सभी को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। प्याज को हम अच्छे से बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना, तली में ना लगे। इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। प्याज अब भून चुका है, अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल लेते हैं। इसे डालने के बाद इसे आपस में अच्छे से हम मिलाते हुए चला लेंगे और ढक करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। इसे ढक करके पकने के लिए रख लेते हैं। अब हम दही ले लेंगे 2 बड़े चम्मच। इसे अच्छे से फेंट लेते दही को। मसाले अब भूनना शुरू हो चुके हैं। अब किनारे से ये तेल छोड़ना शुरू हो चुका। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक 1 से 1.5 चम्मच या स्वाद के अनुसार। काली मिर्च डाल लेते हैं। अब हम इसमें दही और फ्रेश क्रीम, जिसे अच्छे से हमने आपस में फेंट लिया था, उसे डाल करके
ग्रेवी में डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। इसे डालते समय फ्लेम को स्लो रखते हैं। अब हम इसे ढक करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। मसाले एकदम अब पकना शुरू हो चुके हैं, ये तेल छोड़ने लग गए हैं अब किनारे किनारे से, और कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है अब इसमें। अब हम इसे ढक करके कुछ समय के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। बीच बीच में से खोल करके चलाते रहेंगे। ग्रेवी अब बिल्कुल अच्छे से भून चुकी है। अब हम यहाँ पर इसमें पानी डाल लेते हैं। यहाँ पर 1 कप पानी डाले हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार आपको ग्रेवी कैसी चाहिए। अब हम इसमें फ्राई सोया चाप डाल लेंगे। चाप डालने के बाद इसे चला लेते हैं और अब हम इसे ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकने दें। अब हम इसमें नमक डाल लेते हैं। यहाँ पर हम काला नमक डालेंगे, इससे चाप का स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। चाप को हम 4 से 5 मिनट तक और स्लो फ्लेम पर अच्छे से उबाल आने तक पका लेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चाप मसाला, जिसे आप घर पर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, एक बार इस तरीके से इसे बना करके ज़रूर ट्राई करें। बिना किसी झंझट के बड़ी ही आसानी से घर पर बनके तैयार है मसाला सोया चाप। आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी? पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।